The next one is the memorization is more important than revision. देखिए what is the revision? रिविजन का मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट सीखा समझा उसको आप लेके बैठे हैं और उसमें से आप वापस से चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं. Now what is the memorization? Memorization is the super fast revision by the talented students. मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके सामने किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है. आप क्या किए हुए हैं, आप अपनी आईज को बंद करके उस चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं जो आपने पढ़ा है, समझा है, समराइज किया है. अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, फिर ये है, फिर ये है, और आप एक जगह शांति से बैठकर उस चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं. या फिर आपने अगर उस चैप्टर का समरी नोट्स बनाया है तो आप उस समरी नोट्स को कंसिस्टेंटली अपने मन में मेमोराइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक जगह बैठकर, बाइक पर चलते वक्त, कोचिंग से घर आते वक्त, घर से कोचिंग जाते वक्त, कहीं और जाते वक्त, नहाते वक्त, खाते वक्त, यार थिंकिंग. और जब आपका दिमाग एक जगह लगता है ना तो वो चीज़ आप नहीं भूलते हैं. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं. पढ़ते हैं इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपकी चीज़ें वो दिमाग में होती है और जैसे ही आपकी कॉपी या किताब साइड में जाता है you start thinking something else. Your notes, your content, your subject becomes secondary for you. Your goal become secondary for you and you start thinking something else which is primary for you. You show something else but intentionally, internally you have something else as your cravings. You must change your cravings right now before you become a serious dropper. If you want to become a serious dropper, you must understand what are your real cravings.